दोस्तों, अगर आप भी ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं, आप भी जो है सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेना चाहते हैं, दोस्तों अगर आपकी एज जो है 16 से 59 साल है तो बेशक आप जो है इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्ड कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी श्रमिक हो या फिर पशुपालक हो, स्विगी जोमेटो बॉय हो या फिर कोई ट्यूटर हो, कोई भी जो है इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें कि सरकार जो है आपको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हाल ही में आपको 500 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब आपको 1000 मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें कई सारे बीमा का भी सुविधा आपको मिलता है। इन सब के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में जाने के बाद आपको जो है वेबसाइट यहाँ पे दर्ज करना होगा, register.ishram.gov.in। आप चाहे तो गूगल पे ishram.gov.in भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें कि आपका आधार कार्ड नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है मांगा जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। 10 अंकों का मोबाइल नंबर आप एक बार ज़रूर मैच कर लेंगे दर्ज करने के बाद। उसके बाद नीचे में जो है आपको कैप्चा कोड भर देना है। कैप्चा कोड आपको जो है बाएं तरफ में फ़ोटो में जो है दिख रहा होगा। जैसे आप कैप्चा कोड भर लेते हैं, नीचे में आपको जो है कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे में जो है आपको नो कर देना है, अगर आप जो है इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है नोट में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों, आपके पास जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक है, उस पर OTP भेज देता है। OTP जो है मेरे मोबाइल पे आ चुका है, 6 डिजिट का। मैंने जो है OTP यहाँ पे इंटर कर दिया है। अब जो है फाइनली यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो है हम अगले प्रोसेस पे आ चुके हैं, जिसमें कि आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछेगा, और यहाँ पे एग्रीमेंट है, आपको जो है टिक लगा करके एग्रीमेंट को टिक कर देना है। चलिए दोस्तों, फटाफट से जो है मैं आधार कार्ड नंबर अपना 12 अंकों का यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे हमने जो है आधार कार्ड नंबर लिख लिया है, और हमने जो है यहाँ पे एग्रीमेंट जो भी यहाँ पे ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण के नियम है, उससे अगर आप सहमत हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आप किस तरीके से अपने आप को वेरीफाई करेंगे, फिंगरप्रिंट या फिर आँख से या फिर OTP जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। तो मैंने जो है OTP ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और उसके बाद कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पे क्लिक कर दिया है। आपको भी जो है देख लेना है, सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास जो है OTP चला जाएगा आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ चुका है OTP, तो चलिए फटाक से जो है यहाँ पे हम OTP इंटर कर लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आपका 6 अंकों का OTP आएगा, तो आपको जो है HTTPS यहाँ पे भर देना है। उसके बाद नीचे वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि आप यहाँ पे आधार कार्ड से वेरीफाई कर लिए जाएंगे। और यहाँ पे जैसा कि मैंने वैलिडेट पे क्लिक किया, मेरे आधार कार्ड से सारा ब्यौरा जो है मेरा यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो दोस्तों, ब्यौरा सही है। कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे सबसे नीचे, और आ जाएंगे दूसरे इंटरफेस पे, जिसमें कि आपको कुछ अपने बारे में डिटेल्स देने होंगे, जैसा कि ईमेल आईडी। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ईमेल आईडी आपसे पूछ रहा है, अगर आपका ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से जो है मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। मैरिटल स्टेटस आपसे पूछेगा, आप मैरिड है या अनमैरिड है या विडो है। ये सारे ऑप्शन में से आप जो है यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर मैरिड था, मैरिड सेलेक्ट कर लिया। नीचे आपसे पूछता है फादर का नाम, तो अपने पिता का नाम जो है यहाँ पर आप इंटर ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे जो है हमने अपने पिता का नाम भी इंटर कर लिया है। सोशल कैटेगरी, यानी कि आप SC ST OBC किस चीज़ में आते हैं, हमने जो है अपना कैटेगरी भी सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों, नीचे में जो है आपसे पूछता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो है आप अपना चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ पे ब्लड ग्रुप मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है डिफरेंटली एबल्ड आपसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नो ही रहने देना है। आपको इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो जमा कर सकते हैं चूज फाइल पे जाके। फिर दोस्तों, यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स, यानी कि नॉमिनी आप किसको बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है नॉमिनी मैं अपने पिता को बनाना चाहता हूँ, तो मैंने उनका नाम यहाँ पर लिख दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, नॉमिनी का जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा जेंडर,
आपके नॉमिनी का जेंडर क्या है, हमने जेंडर सेलेक्ट कर लिया, और आपसे रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी का, मैंने फादर सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों आपसे पूछेगा रेसिडेंशियल डिटेल, यानी कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का आपसे डिटेल पूछा जाएगा। आपका जो है नेटिव स्टेट पूछा जा रहा है, मैंने जो है नेटिव स्टेट यहाँ पे बिहार डाल दिया है। बिहार में नेटिव डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट भी हमें यहाँ पे इंटर कर देना है। चलिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और इंटर कर देते हैं। फिर दोस्तों स्टेट स्पेसिफिक आईडी, दोस्तों इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। नीचे करंट एड्रेस पे आप देख लें अर्बन रूरल, हमें जो है मैक्सिमम रूरल पे ही रहने देना चाहिए। अब दोस्तों नीचे जो है आपको अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील यानी, और दोस्तों पिन कोड, ये सब चीज़ें जो है आपको अपने एड्रेस के तौर पे, जो आप पर्टिकुलर एड्रेस कहीं के लिए भी अपना देते हैं वो एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देना है। चलिए फटाक से जो है मैं अपना एड्रेस इंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने एड्रेस इंटर कर दिया है। अब नीचे जो है आपसे पूछ रहा है स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, आप कितने समय से जो है इस लोकेशन पे रह रहे हैं। मैंने 20 से 25 साल यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि 20 से 25 साल मुझे हो गए हैं, मोर देन 25 साल हो गए हैं। और नीचे परमानेंट एड्रेस पे भी आपको सेम कर देना है, अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो नया यहाँ पे इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, तो मैंने जो है इस पर क्लिक कर दिया। अब नीचे जो है आपको चूज़ फाइल पे कुछ भी नहीं करना है। चूज़ फाइल पे आपको जो है आप चाहे तो अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, बट यहाँ पे रहने ही देंगे। फिर नीचे कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें कि आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन पूछता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन आपको क्या डालना है, इसका एक प्रॉपर लिस्ट बना के दे दिया गया है। एनसीओ कोड्स हैं, आप आई बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने नया टैब ओपन होगा, जिसमें कि कई सारे कोड हैं। अब आप क्या करते हैं, आपका क्या यहाँ पे बिजनेस है, जॉब है, चाहे आप जो कुछ भी करते हो, आप इसमें से जो है मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद आप जो है इस लिस्ट के इस नंबर का जो है नाम याद रखेंगे। उसके बाद जैसे ही बॉक्स में ट्यूटर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ट्यूटर वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ, इंटर कर देंगे। हमने ट्यूटर लिख करके ट्यूटर वाले लिस्ट को जो है सेलेक्ट कर लिया है। और नीचे जो है एक्सपीरियंस पूछता है आपका कि आप ट्यूटर कितने समय से हैं, एक्सपीरियंस या नहीं, तो मैंने जो है 2 साल का एक्सपीरियंस बता दिया और नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। दोस्तों आपको कुछ देर वेट करना है, क्योंकि सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन जो है थोड़ी देर बाद आपके सामने विजिबल हो जाएगा। अब नया पेज और आखिरी पेज यहाँ पर रीलोड हो चुका है, जिसमें कि आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल देना है। बैंक अकाउंट डिटेल में आपसे बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि फिर से वही नंबर पूछेगा, अकाउंट होल्डर का नाम, आईएफएससी कोड, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, ब्रांच नेम क्या है, ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। चलिए फटाक से जो है मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स इंटर कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कि हमने जो है बैंक डिटेल जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन भी जो है यहाँ पे विजिबल हो गया है, तो चलिए सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, जिससे कि हमारा डेटा जो है फाइनली सेव हो जाए। अब जो है दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है प्रीव्यू पेज आ चुका है, यानी कि अभी तक हमने जितने भी डिटेल भरे थे वो सारे डिटेल एक सिंगल पेज पे आ चुके हैं। आप चाहे तो इसे जो है यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी जो है यहाँ पे बड़ा डिटेल्स आपने फीड कर लिया है। प्रिंट का ऑप्शन जो है ऊपर में है, आप चाहे तो इसे प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है नीचे में फाइनली आपसे पूछेगा सबमिट का ऑप्शन। उससे पहले आपको जो है एक एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे जो है हमने टिक कर दिया है, टिक करने के बाद दोस्तों फाइनली जो है यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। उससे पहले चलिए प्रिंट कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है ये पेज जो कि हमने डेटा यहाँ पे भरा हुआ था वो हमारे पास भी सेफ हो जाए। हमने जो है यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके सेव के बटन पे क्लिक कर दिया है। अब जो है हमारा डेटा यहाँ पे सेव हो चुका है। ऊपर रिलोड कैंसिल पूछ रहा है, हमें कैंसिल करना है, फिर से वही पेज आ जाएगा आपके सामने। और यहाँ पे जो है नीचे हमने टिक कर लिया था,
टिक करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपसे हुई है तो एडिट पे कर देंगे क्लिक और जो है डेटा चेंज कर लेंगे, अदरवाइज फाइनली जो है यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले एक बार सारे डेटा यहाँ पे चेक कर लें। अब जो है ऊपर में लीव पे क्लिक करेंगे, लीव साइड करेंगे तभी आपका नया पेज रिलोड होगा और आपके सामने आपका जो है फाइनल पेज जो है आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ ही क्षणों में जो है आपका यहाँ पे ई श्रम कार्ड बन के तैयार हो चुका है। अब जो है सरकार की तरफ से कोई भी योजना आएगा, कोई भी जो है श्रमिकों के लिए कार्य आएगा या फिर कोई भी जो है सहायता होगी, आर्थिक सहायता, वो सब जो है आपको इसी अकाउंट नंबर पे मिल जाएगा। पहले 500 रुपये हर महीने आपको मिल रहे थे, अब हो सकता है कि उसकी राशि बढ़ा दी जाएगी। साथ ही साथ कोई जॉब की भी यहाँ पे समस्या होगी तो वो भी जॉब में आपको हेल्प किया जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों ये कार्ड ज़रूर बनवा लेंगे और यहाँ पे जो है आपको देख सकते हैं कि इस श्रम कार्ड में आपको एकदम आधार कार्ड की तरह सारे डिटेल्स दे दिए गए हैं। इसमें जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी आपको मिल गया है जो कि 12 डिजिट का है, जैसे कि आधार कार्ड नंबर जो है आपका 12 डिजिट का होता है। ऊपर में आपको जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको जो है यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके अपने ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों फाइनली जो है हमारा यहाँ पे UN कार्ड PDF के फॉर्मेट में जो है डाउनलोड हो चुका है। आई होप सो कि आपका जो है ई श्रम कार्ड बनने में अब कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई समस्या है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही ढेर सारी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, लाइक कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।